बसां दीआं बॉडीआं वाली सरकार दा सानूं पता है जिहड़ा कह रहे सी इह सरकार ने कीता की आ नौकरियां आखे जी असीं कट्टियां सी तुहाडीआं नौकरियां राजा वड़िंग जी वाजबियां नूं ते बेअंत सिंह दे परिवार नूं ते राकेश पांडे दे परिवार नूं जांदियां सी 29,000 तो वध नौकरियां दित्तियां मान साहब दी सरकार ने कोई भाई भतीजावाद नहीं एक रुपये की रिश्वत नहीं किसी का फेवरिज्म नहीं किया ये फर्क है तुहाडे वर्गे रसूखदारा ने जिहड़े जिहड़े वड्डे रहीस जादे ने 11,000 एकड़ तो वध जमीन उन्हां तो छुड़वाई आ ये मान साहब ने किया है वो तो चीका मार मार कह रहे गैंगस्टर जिहड़े मुंडे कि सानू वगाड़े इन्होंने राजे वड़िंग दा ते ना लिया उन्होंने कि राजा वड़िंग किस तरीके नाल बचाउंदा रहा है एक ग्रुप नूं बचाउणा ते दूजे नूं फसाउणा ये तुहाडी हिस्टरी पंजाब नूं पता तुहाडे कुकर्म भी पता आ इस करके बसां दीआं बॉडीआं वाली सरकार नूं भी मेरा ये बिल्कुल सीधा सुनेहा है ये पोतड़े ना खलवाओ कानून अपना काम कर रहा है एक एक रुपये का हिसाब पंजाब के लोगों नूं देना ते लुटेरियां तो लैना ये साडी जिम्मेवारी आ साडी जवाबदेही आ ये कहिंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह कि मान साहब नूं एक्सपीरियंस नहीं है एक उन्होंने सवाल खड़ा किया है तुहाडे एक्सपीरियंस कैप्टन अमरिंदर साहब तुहानूं दसना चाहुंदा तुहानूं कांग्रेस ने कढ़िया है जदों तुसीं मुख्यमंत्री दी टर्म चला रहे सी तुहाडा एक्सपीरियंस सानूं उदों भी पता है जदों तुसीं बतौर डिप्टी लीडर पार्लियामेंट विच सिर्फ ते सिर्फ 6% तुहाडी अटेंडेंस है लोएस्ट लोएस्ट पार्लियामेंट अटेंडेंस ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहाडे एक्सपीरियंस तों जिहड़े सीताफल ते चीकू पैदा होए आ उह भी पंजाब नूं पता है पंजाब नूं इहो जिहे लोकां दी जिहड़े ऐशो आराम करदे आ पंजाब दे पैसे ते अपने एम्पायर खड़े करदे आ सानूं इक पंजाब दे दुख दर्द नूं समझण वाला पंजाब नूं इक ईमानदार लीडर पंजाब नूं अगां वधू सोच वाला लीडर जिहड़े मान साहब की अगवाई च वध रहा इहो जिहे लीडर की लोड़ है पंजाब दे मुख्यमंत्री जी ने मान साहब ने यह सवाल खड़ा किया जिहड़े 55 लाख रुपया फीस सुप्रीम कोर्ट च पंजाब सरकार ने जिहड़े वकील हायर किए सी क्यों कि मुख्तार अंसारी की प्रोडक्शन वारंट नूं डिफेंड करना सी उन्हूं पंजाब दीआं जेलां च रखना सी उहदे वास्ते पंजाब दे खजाने नूं लुटाया गया जिहड़ा कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सी जिहड़ा गैंगस्टर सी जिहदे तों प्रेरित हो के पंजाब च बहुत वड्डे स्तर ते गैंगस्टर कल्चर भी फैलिया हुण इहदे च गलत की है दसो तुहाडे राहीं पंजाब दे लोकां नूं असीं दसना चाहुंदे हां कि जिहड़ा 55 लाख कैप्टन अमरिंदर ने फी देण दा फीस डिफेंड करन लई भरन दी गल कीती सी उहनूं अगर रोकण वास्ते पंजाब दे मौजूदा मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सिरे तो खारिज करता ना करती और यह भी कहा कि असी नहीं पंजाब का खजाना जिहड़ा कि लोग टैक्स पेयर आम लोगों की मेहनत मजदूरी के पैसे नाल इहजे गैंगस्टर नूं बचाउण च नहीं लाया जाऊगा वह पैसा अगर वसूलिया जाऊगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े होम मिनिस्टर सी और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा जिहड़े उस टाइम उन्हां तों वसूलिया जाऊगा इहदे च गलत की है हुण सुखजिंदर रंधावा जी कहिंदे जी मेरे ते कोई इहदे च लेना देना ही नहीं है हुण किस तरीके नाल रोपड़ दी जेल चों व्हीलचेयर ते उहनूं मोहाली कोर्ट च पेश कीता जांदा रहा उहनूं जेल दे विच 5-star फैसिलिटी दित्ती जेल दे लागे एक घर दे के उहदे परिवारिक मैंबरां नूं हरेक तरह की सुविधा मुहैया करवाई और कोर्ट च जिहड़ा केस लड़न लई पंजाब दे खजाने चों पैसा लुटाया गया दसो गुनाह नहीं है जेल मंत्री कितना बच सकदे इहदे तों ना ते उस टाइम दे मुख्यमंत्री बच सकदे आ ना होम मिनिस्टर क्योंकि उह कैप्टन अमरिंदर ही सिंह है ते ना जेल मंत्री कहिंदे जी इह ते मामला ही कोर्ट दा ते पुलिस दा जेल च फैसिलिटी देनी व्हील चेयरां मुहैया करवाउणियां जेल मंत्री दी रिकमेंडेशन नाल कोर्ट च डिफेंड करना यह तमाम प्रोसीजर है जिहदे च सरकार दा अहम रोल रहिंदा ते पंजाब दे लोकां नूं ते असीं यही दसना चाहुंदे हां कि पंजाब दा खजाना हीनियस क्रिमिनल गैंगस्टर दे उत्ते नहीं खर्चा जाऊगा क्योंकि मान साहब की सरकार जवाबदेह है पंजाब दे लोकां नूं
असी पंजाब दे लोकां दे खजाने दे पहरेदार हैं, असी एक एक रुपये का हिसाब देना भी आ ते लेना भी आ। और जे भज नहीं सकते इन्हां नूं ते कहा गया कि तुसी ते सगों बड़ा सौखा जिहा काम है, साढ़े 27 लाख रुपया कैप्टन अमरिंदर ते सुखजिंदर रंधावे नूं हुंदा है, वो भर के ते अपना पिछा छड़ाओ, सानू की लोड़ पई है। जे तुसी पैसा भर नूं तैयार हो, लेकिन जे तुसी कहो भी असी पल्ला झाड़ लिया, या सुखजिंदर रंधावा जी ये भी कह रहे सी मैं ते कैप्टन अमरिंदर नूं चिट्ठियां लिख के इनफॉर्म करता सी, इस तरीके नाल बचिया नहीं जा सकता। जे कोई सोचे ना मेरा पल्ला छुट जूगा, छुटना नहीं गा, क्योंकि ये पंजाब दे लोकां दे पैसे दा मसला है और उहदे पहरेदार माणयोग मुख्यमंत्री है। दूजी गल, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे आ कि मैं ते अंसारी नूं जानदा ही नहीं है। गल जानण दी नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बेटे रणिंदर नूं पुछया ही नहीं कि उह जानदा कि नहीं जानदा। रणिंदर सिंह नूं पुछया ही नहीं कैप्टन साहब ने कि उह अंसारी नूं जानदा कि नहीं जानदा। ये किस तरीके नाल लोग सरकारां चलाउंदे रहे आ, पंजाब दे पैसे दी दुरवरतों करते रहे, नाल नाल इहो जे क्रिमिनल नूं, ट्रीटेड क्रिमिनल, मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर नूं इस तरीके नाल पंजाब दीआं जेलां च रख के शैल्टर देना, पुश्त पनाई देनी, पैट्रोनेस करना, 5-स्टार फैसिलिटी देनी, ये बिल्कुल जिहड़ा आ हुण बर्दाश्त नहीं कीता जाऊगा, हिसाब ते देना ही पऊगा। दूजी गल ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6% ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਲੋਐਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 90% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਓ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ਼, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਘਟਾਲੇ ਟਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਕੂ ਉਗਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸੂਆਂ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ
कि पांच साल पिछले पांच ते चार आ 2017 वाले नौ साल किन्नी बार सेक्रेटरीएट गए, किन्नी बार सीएमओ च बैठ के लोगों दिया दुख दर्द सुने, किन्नी बार पंजाब च जाके लोगों के दुख दर्द सुने। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नौ साल ते मान साहब का एक साल कट के वेख लैन, लोगों को पता है कि बतौर मुख्यमंत्री मान साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने नेड़े तेड़े भी नहीं ठहरते, ये इन्हों का एक्सपीरियंस है। सो पंजाब नूं इहो जिहे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पंजाब नूं इहो जिहे लोगों की जिहड़े ऐशो आराम करते पंजाब के पैसे ते अपने एम्पायर खड़े करते आ। सानू एक पंजाब के दुख दर्द नूं समझण वाला, पंजाब नूं एक ईमानदार लीडर, पंजाब नूं अगां वधू सोच वाला लीडर जिहड़े मान साहब की अगवाई च वध रहा, इहो जिहे लीडर की लोड़ है पंजाब दे। तुहाडे एक्सपीरियंस की लोड़ नहीं, तुहाडे एक्सपीरियंस ने ते अंसारी नूं पेट्रोनाइज़ किया, सुप्रीम कोर्ट च अंसारी का केस होना आ गए। इन्हों मैं सवाल खड़ा करदा हां रंधावा साहब नूं, कैप्टन साहब नूं, हुण जिहड़ा अंसारी है उहदा केस वी सुई सुप्रीम कोर्ट च हार गए, अगले लै गए और ता उमर उहनूं सज़ा होई है यूपी दे कोर्ट वल्लों ता उमर। इहो जिहे क्रिमिनल बंदे नूं पंजाब दीआं जेलां च फाइव स्टार फैसिलिटी देनी ये पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिसाब किताब लिया जाऊगा। तो अखीर च जिहड़े बसां दे बॉडियां वाली सरकार ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, इन्हां दा भी एक्सपीरियंस सानूं पता है, ये बसां दीआं बॉडियां वाली सरकार दा सानूं पता है। जिहड़ा कह रहे सी इहे सरकार ने कीता की है नौकरियां, आखे जी असीं कढ़ियां सी तुहाडियां नौकरियां राजा वड़िंग जी बाजवियां नूं ते बेअंत सिंह दे परिवार ते राकेश पांडे दे परिवार नूं जांदियां सी। 29,000 तो वध नौकरियां दित्तियां मान साहब की सरकार ने, कोई भाई भतीजावाद नहीं, एक रुपये की रिश्वत नहीं, किसी का फेवरिज़म नहीं किया। ये फर्क है, तुहाडी जिहड़ियां तुहाडे लीडर लै रहे सी ना 10-10 पेंशनां वह खत्म कीतियां मान साहब ने, तुहाडे वर्गे रसूखदारां ने जिहड़े वड्डे रहीस जादे ने 11,000 एकड़ तो वध जमीन उन्हां तों छुड़वाई आ, ये मान साहब ने किया है। और तुसी कहड़ियां गल्लां करदे हो, तुहाडा सानू पता है गैंगस्टरां नाल उत्थे चीकां मार मार कह रहे गैंगस्टर जिहड़े मुंडे कि सानू वगाड़े इन्होंने राजे वड़िंग दा ते ना लिया उन्होंने, कि राजा वड़िंग किस तरीके नाल बचाउंदा रहा है एक ग्रुप नूं बचाउणा ते दूजे नूं फसाउणा। ये तुहाडी हिस्टरी पंजाब नूं पता, तुहाडे कुकर्म भी पता है। इस करके बसां दीआं बॉडियां वाली सरकार नूं भी मेरा ये बिल्कुल सीधा सुनेहा है, ये पोतड़े ना खलवाओ, कानून अपना काम कर रहा। मान साहब की सरकार का एक ही मकसद है कि एक एक रुपये का हिसाब पंजाब के लोगों नूं देना ते लुटेरियां तो लैना, ये साडी जिम्मेवारी आ, साडी जवाबदेही आ। और अंसारी जिन्हूं सुप्रीम कोर्ट च बचाउण लई 11,00,000 रुपया पर पेशी वाला वकील इन्होंने हायर किया, 55,00,000 रुपया भी इन्हों तो वसूल करांगे। जिहड़ी इन्हां नूं आफ रंधावा साहब कह रहे सी मैनू तो कोई नोटिस ही नहीं आया, इन्हां दी जिहड़ी ये भी जिहड़ी बहुत ज़्यादा इन्हां नूं तलब हो रही है ना कि नोटिस भी 2 घंटे अंदर अंदर रंधावा साहब नूं मिल जाना है, नोटिस भी जाऊगा मुख्यमंत्री जी वल्लों जाऊगा, पंजाब सरकार वल्लों जाऊगा। इन्हां दीआं सारीआं जिहड़ियां रीझां आ असीं तरीके नाल ला देणियां, पूरियां कर देणियां, कानून अपना काम कर रहा है। तुहाडे राही पंजाब दे लोकां नूं अखीर च मैं कहना चाहुंदा हां कि पंजाब दे खजाने दे पहरेदार दे रूप च माणयोग मुख्यमंत्री जी अपना पहरा दे रहे आ, और इन्हां लुटेरियां तों पंजाब नाल दगा कमाउण वालिआं लोकां तों हिसाब किताब लै रहे आ, और लैंदे रहांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुहाडा कोई सवाल होवे तां करो। डॉक्टर साहब, इक तां रंधावा होरां ने कहा कि जदों